It's all right. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं निमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपिमोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे, होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो एवरीवन, फाइनली देख पा रहे हो इंडियन मार्केट पे जूम एक्सटेक पे और एक नया अवतार के साथ हीरो कंपनी जो है 2024 पे नया जूम एक्सटेक कॉम्बैट एडिशन को लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस वेरिएंट को बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो, इस तरह से लोग क्या सारा फीचर, टॉप स्पीड, माइलेज, ऑनरोड प्राइस क्या है, एंड अगर आप लोग फाइनेंस पे लेना चाहते हो कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट पे आप लोग इस स्कूटी को बाय कर सकते हो, पर मंथ कितने ईएमआई भरना पड़ेगा, हर एक चीज आज के इस कंटेंट पे आप लोगों को डिटेल्स पे बताने वाला हूँ। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ राजा हीरो शोरूम। अगर आप लोग हीरो का कोई भी बाइक या स्कूटी बाय करना चाहते हो ना, डेफिनेटली इस शोरूम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस, पहले आप लोग सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, देन वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एवरीवन, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है न्यू हीरो जूम एक्सटेक कॉम्बैट एडिशन। यहाँ पे देख पा रहे हो नया एमलेम प्रोवाइड कर रहा है कॉम्बैट एडिशन का। सो इस मॉडल पे आप लोग क्या सारा बदलाव एंड क्या क्या फीचर्स मिलता है, हर एक चीज को डिटेल से बताने वाला है। लेकिन पहले की से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ की मिलेगा हीरो का ब्रांडिंग के साथ, नॉर्मल से किएगा इस वेव की वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सो की को डालते की स्लॉट पर। सो नया जो कलर थीम है, इसका नेम है गाइस मैट शेडो ग्रे। सो फ्रंट के साइड पे जब भी इग्निशन को ऑन करोगे ना, इधर पे आप लोगों को एलईडी डीआरएल प्रोवाइड करता है एच शेप में। एंड जो फ्रंट लुक है, इधर पे लुक देखो गाइस, छोटा सा विंडशील्ड मिलता है ट्रिपल टोन कलर थीम के साथ, मैट सिल्वर कलर कह सकते हो, देन ब्लैक ग्लॉजी एंड इधर पे मैट ब्लैक कलर है। 3 कलर ऑप्शन के साथ फ्रंट पे लुक है एंड एजेस देखो कितना ज्यादा बढ़िया स्पोर्टी डिजाइन एंड स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड हैंडल के अंदर ही बल्ब इंडिकेटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन वगैरह देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट है, बल्ब इंडिकेटर है, एलईडी नहीं है। सो फ्रंट के साइड पे इधर पे सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट होगा, छोटा सा इधर पे हीरो का एमलेम। देन जो बॉडी पार्ट है एकदम ही नया ग्राफिक्स के साथ प्रोवाइड कर रहा है, सिल्वर नियॉन ब्लैक ग्लॉजी एंड साइड जो पैनल है वो फुल्ली मैट सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। साइड प्रोफाइल पे इधर पर भी गाइस ग्राफिक्स वगैरह आप लोग देखने को मिल जाता है नया स्पोर्टी डिजाइन के साथ। एंड जो साइड पैनल है इधर पे फुल्ली ब्लैक ग्लॉजी के साथ सिल्वर एंड नियॉन कलर कॉम्बिनेशन का ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। फ्रंट जो लुक है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड स्पोर्टी लुक आप लोग प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा हेड टर्नर देखने को मिलेगा इस डिजाइन एंड इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। फ्रंट के साइड पे जो मडगार्ड है उसके ऊपर जूम का ब्रांडिंग डुअल टोन कलर थीम के साथ है, मैट ब्लैक एंड सिल्वर कलर कोटिंग। एंड आप लोग पता ही है इस वाले मॉडल पे प्रोवाइड करता है फुल्ली एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड अपर डिबल करोगे उस टाइम पे ऐसा कुछ लुक मिलेगा। सो ये कलर थीम आप लोगों को कैसा लगा जरूर गाइस कमेंट करके बताना। देन अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं, इधर पे आप लोगों को जूम व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, 3D एम्बलेम है, नीचे के साइड पे एक्सटेक, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है एंड नया ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा है नियॉन सिल्वर कलर कोटिंग के साथ। एंड साइड जो पैनल है ये भी गाइस फुल्ली फाइबर के साथ है, फ्रंट जो पैनल है ये भी गाइस आप लोगों को फाइबर के साथ ही मिलेगा, जो मडगार्ड है वो भी गाइस फुल्ली फाइबर के साथ है। लेकिन डिजाइन बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा देख पा रहे हो एयर वेंट्स की तरह डिजाइन मिलता है, FI प्रोग्राम का ब्रांडिंग। देन इधर पे छोटा सा हुक मिलता है जिसपे कुछ भी सामान वगैरह आप लोग चाहते हो कैरी कर सकते हो। एंड फ्रंट के साइड पे दो छोटे छोटे ग्लव बॉक्स मिलता है जिसपे आप लोग कुछ भी बोतल वगैरह कैरी कर पाओगे। सो रियर लुक को दिखाने से पहले इग्निशन को कर लेते हैं जैसे ऑन। सो रियर के साइड पे एलईडी एच शेप में टेल लैम्प विथ बल्ब इंडिकेटर, सिक्योरिटी नंबर प्लेट इधर फिट होगा एंड नंबर प्लेट लाइट जो है वो भी आप लोग हैलोजन मिलता है, छोटा सा रिफ्लेक्टर के साथ। ओवरऑल अगर लुक की बात करूँ ना, रियर से कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा, मतलब अच्छा खासा स्पोर्टी एंड प्रीमियम लुक के साथ प्रोवाइड करता है। एंड और एक चीज आप नोट कर पा रहे हो, बॉडी के अंदर ही आप लोगों को इधर पे गैब्रियल प्रोवाइड करता है मैट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। देखने में ऐसा नहीं लगेगा नहीं कि ये गैब्रियल है, लेकिन ऐसे आप लोग होल्ड कर पाओगे, एल्युमिनियम के साथ मिलता है, एयर वेंट्स की तरह डिजाइन मिल जाएगा। सो नया ग्राफिक्स और नया डिजाइन आप लोग कैसे लगा जरूर कॉमेंट करके बताना। नीचे के साइड पे एकदम ही इधर पे मैट सिल्वर कलर देन मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एंड ग्राफिक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है।
सो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इस मॉडल पे एक चीज मुझे अच्छा लगता है वो है गाइस 12 इंच एलॉय प्रोवाइड करते हैं फ्रंट के साइड पे विथ डायमंड कट फिनिश, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, कॉर्नरिंग लाइट भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, जब भी आप लोग राइट या लेफ्ट साइड पे टर्न करोगे ना ऑटोमेटिक इधर पे एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। 90x90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, 12 इंच का एलॉय व्हील, ऐसा कुछ टायर प्रोफाइल है, 190mm का बाइब्रे कैलिपर के साथ फ्रंट के साइड पे डिस्क है विथ IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हो ऑटोमेटिक रियर ब्रेक एंगेज होगा एंड अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करते हो ना ऑटोमेटिक फ्रंट ब्रेक एंगेज होगा। एंड इस मॉडल पे 100cc होने के बाद भी रियर के साइड पे 12 इंच का एलॉय व्हील प्रोवाइड करता है डायमंड कट फिनिश के साथ, 100x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, टायर प्रोफाइल चेक कर लो रियर से कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है, मतलब लुक के साथ टायर जो है बढ़िया लग रहा है। देन लेफ्ट साइड पे 130mm का ड्रम ब्रेक, सिंगल साइड शॉक अब्जॉर्बर मिलता है जो आपके हिसाब से आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कंपनी फिर डुअल स्टैंड एंड साइड स्टैंड मिलता है लेकिन इस मॉडल पे अभी इंस्टॉल नहीं है, एल्युमिनियम का प्लेन फुटेज, रबर कोटिंग वगैरह नहीं है, वो भी फुल्ली मैट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। लुक्स एंड कलर जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। सो अभी बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर इधर पे इंडियन फ्लैग एंड नया ग्राफिक्स मिल रहा है राइट एंड लेफ्ट साइड पे, डुअल टोन कलर थीम है मैट ब्लैक एंड मैट सिल्वर। सिग्नेशन ऑन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है फुल्ली डिजिटल स्प्रीड, हेलो माय हीरो मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ही प्रोवाइड कर देगा ऊपर के साइड पर। देन ओडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक एंड हीरो का ब्रांडिंग मिलता है, दो छोटे छोटे बटन मिलते हैं जिससे आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे ट्रिप। देन रियल टाइम माइलेज, उसके बाद ओडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज, क्लॉक, स्पीड, ओडोमीटर, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ऊपर के साइड पे, इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन, लो ऑयल, I3S मतलब इधर पे एक टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आप लोग चाहते हो ना ऑन ऑफ भी कर पाओगे, अगर आप लोग सिग्नल पे 2-3 मिनट खड़े हुए रहेंगे ना ऑटोमेटिक इंजन को किल कर देगा, इससे फायदा ये कि पेट्रोल नहीं फूकेगा एंड माइलेज आप लोग ज़्यादा मिलेगा। देन मिलता है सेल्फ, लेफ्ट साइड पे अपर डिपर के साथ ही पसिंग बटन, देन इंडिकेटर एंड नीचे के साइड मिलता है हॉर्न। सो ऐसा कुछ ब्रेक लीवर है, 12 इंच जो है फाइबर के साथ मिलता है, सो राइट एंड लेफ्ट साइड पे एकदम सेम टू सेम ही लीवर आप लोग मिल जाएगा। देन गाइस आप लोग इधर पे देख पा रहे हो E20 का ब्रांडिंग मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी इस स्कूटी को आप लोग राइड कर पाओगे। एंड इधर पे नीचे के साइड पे USB चार्जिंग पोर्ट भी आप लोग प्रोवाइड कर रहा है, ऑन द गो आप लोग कोई भी चीज़ को जो है ना इधर से चार्ज वगैरह कर पाओगे। जो एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा बल्कि है स्पोर्टी लुक के साथ, ऊपर के साइड पे फुल्ली मैट मफलर प्रोवाइड कर रहा है एंड रियर से ऐसा कुछ लुक है। सो इंजन के बारे में पहले बात करते हैं, देन स्कूटी को स्टार्ट करके आप लोगों को इस एग्जॉस्ट नोट को सुनाने वाला हूँ। सो BS6 कॉम्प्लाइंट ओवरहीट एंड फेस 2 का अपडेट के साथ 110cc का इंजन है एंड पावर प्रोड्यूस करता है 8.05 BHP एट द रेट 7250 RPM एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.7 Nm एट द रेट 5050 RPM। एयर एंड फैन कूल फ्यूल इंजेक्टेड CVT एंड कंपनी क्लेम कर रहा है अप्रॉक्स टॉप स्पीड 87 तक, 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, अंडर सीट स्टोरेज के अंदर मिलता है एंड माइलेज आप लोगों को बताओ 40 से 45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो सीट को ओपन करते हैं एंड गाइस आप लोगों को अंडर सीट स्टोरेज को दिखाता हूँ। सो की स्लॉट इधर मिलता है सीट को ओपन करने के लिए, तो इधर से राइट से तो जैसे घुमाते हो सीट जो ओपन हो जाएगा, अंदर के साइड पे ऐसा कुछ बूट स्पेस मिलता है, हाफ पे हेलमेट रखने के बाद कुछ भी सामान वगैरह आप लोग कैरी कर पाओगे। और एक बढ़िया चीज़ है अंदर के साइड में एक LED लाइट भी प्रोवाइड करता है, फ्यूल टैंक जो है वो अंडर स्टोरेज है, और एक्सटर्नल होता और भी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अगर आप लोग फ्यूल अप करना चाहते हो ना उस टाइम पे स्कूटी से उतर के सीट ओपन करने के बाद ही आप लोग फ्यूल अप कर पाओगे। सो चलो स्कूटी को करते स्टार्ट एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। सो ये जो है गाइस आइडल साउंड है, तो आप लोगों को साउंड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। थोड़ा सा बेसी एंड एग्रेसिव साउंड प्रोवाइड करता है एंड पहले वाले मॉडल से ना स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट का साउंड मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। सो ओवरऑल कार वेट है 109 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं 155 mm। तो चलो ये बात करते हैं सीट के बारे में, पहले सीट हाइट आप लोग बता रहा हूँ 770mm का सीट हाइट है, राइडर से पिलियन सीट थोड़ा सा एकदम ही थोड़ा सा हाइट पर है, व्हाइट कलर का स्टिचेस देखने को मिलता है, डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट कवर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, इधर पे थोड़ा सा देख पा रहे हो डिजाइन किया हुआ है एंड इधर पे ग्रिप आप लोगों को प्रोवाइड करता है। कुशनिंग की बात करूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, राइट एंड पिलियन सीट ना
दोनों ही गेज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड रियर के साइड पे ऐसा कुछ बड़ा सा मडगार्ड तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ साथ अंदर के साइड पे और एक टायर हगर प्रोवाइड करता है जिससे धूल मिट्टी कचरा जो है ना ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। तो चलो ये बात करते हैं इस मॉडल का प्राइसिंग एंड फिनेंस स्कीम के बारे में। अगर आप लोग इन कोलकाता इस वेरिएंट को बाय करना चाहते हो, कॉम्बैट टॉप वेरिएंट जूम एक्सटेक का, सो इसका ओनर प्राइस है 1,05,000 एंड टाटा कैपिटल का मैं फिनेंस स्कीम बता रहा हूँ, लोएस्ट डाउन पेमेंट आ जाएगा 15,000 एंड अगर आप लोग 3 ईयर के लोन करना चाहते हो ना पर मंथ ईएमआई भरना पड़ेगा 3,500 रुपीज। सो एवरीवन यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना एंड अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है जरूर इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। सो चलो इस मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, सो बाय।